हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम ममता मैम। टुडे आई विल टीच यू क्लास फिफ्थ ब्लूमिंग बर्ड्स लेसन 8। हेलो स्टूडेंट्स, द इल्डेस्ट ऑफ द बच्चों, कल मैंने आपको बताया थ्री फ्रेंड्स जो थी, इन्होंने एक दूसरे को सजेस्ट कर करके एक बात करके कि मैं इस कैनाल को छोड़ूंगी, कल फिशरमैन आएगा। टुडे बट द यंगेस्ट फिश वॉज हॉटी, जो सबसे छोटी मछली थी वो बहुत नटखट थी और बहुत जिद्दी थी। सी सिंपली लाफ्ड द सैड, और उसने मुस्कराया और कहा यू आर वरिंग विदाउट रीजन, तुम बिना मतलब की चिंता कर रही हो। वी हैव लिव्ड इन दिस कैनाल ऑल ओवर लिप्स एंड नो फिशरमैन हैज इवर कम हियर, हम लोग अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर जी लिए हैं, यहाँ पर कोई फिशरमैन नहीं आया। आई डिड नाट थिंक दैट दिस मीन विल रिटर्न, मैं इसके बारे में कोई चीज नहीं सोच रही हूँ और कोई नहीं आएगा। आई एम नाट गोइंग टू लिव दिस कैनाल, मैं इस कैनाल को नहीं छोड़ के जाऊँगी। माई लक विल कीप मी सेफ, मेरा भाग्य मेरा साथ देगा और मुझे सुरक्षित रखेगा। द इल्डेस्ट ऑफ द थ्री फ्रेंड्स लेफ्ट द कैनाल दैट वेरी इवनिंग विद हिज फैमिली, जो उसमें सबसे बड़ी मछली थी वो अपनी फैमिली के साथ वो शाम को ही वो इस कैनाल को छोड़ करके चली गई। एंड मूव टूवर्ड द बिग रिवर, और एक बड़ी बड़े तालाब में चली गई, नदी में। द सेकेंड फिश ऑल्सो डिड सो अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द सॉ द फिशरमैन कमिंग इन डिस्टेंस, उसने देखा कि फिशरमैन आ रहे हैं अपना नेट लेकर के, तो वो जो है मॉर्निंग में ही उस कैनाल को छोड़ करके चली गई। बट द थर्ड फिश हु वाज द नॉटी रिफ्यूज टू लिव इन देम, वो बहुत जिद्दी थी और बहुत हठी थी, जिसके कारण कि वो इस कैनाल को नहीं छोड़ी। सून द फिशरमैन अराइव विद देयर नेट एंड कास्ट देम इनटू द कैनाल, और उसी समय फिशरमैन वहाँ पे पहुँच गया उस नदी के पास में। ऑल द फिश लेफ्ट इन द कैनाल वेयर कैच, फिशरमैन ने जाल को उस नदी में फेंका और सारी मछली उसमें जो है कैच कर गई, सारी मछलियाँ उसमें पकड़ा गई। लक डिड नॉट हेल्प द थर्ड फिश एंड सी टू वी कैच अलॉन्ग विद अदर, और हर समय भाग्य जो है साथ नहीं देता, वो थर्ड मछली का भाग्य जो है साथ नहीं दिया, तो भाग्य पे ही हमेशा निर्भर नहीं होना चाहिए, अपने काम को भी करना चाहिए। तो अपने कर्म पे भरोसा करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। बच्चों, हमको इस लेसन से ये पता चला। थैंक यू।